सुनिए मेरी तरफ से बहुत मेरा खुद का लिखा हुआ गीत है दादाजी, बहुत पुराना है। जब हम हाई स्कूल में थे तब गीत लिखा था पवन भैया। अरे होगा तुम्हारा गीत पुराना, दादा टल्लू से पुराना नहीं होगा। सुनिए कि श्री राम जानकी बैठे गए हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। अब सुनिए कि बांटो ना, एक एक बात को दादा सुनना, बहुत पुराना लिखा है और आज भी मुझे ये गीत अपना लिखा हुआ पसंद है। सुनिए आप लोगों को सुना रहा हूं क्योंकि आप लोग बड़े आनंद के साथ सुन रहे हैं। सुनिए, बांटो ना देश तुम मथुरा और मदीने में, बांटो देश तुम मथुरा और मदीने में, बांटो निर्णायक महोदय जी। क्या रखा है ऐसे जीने में, क्या रखा है ऐसे जीने में, क्या रखा है ऐसे जीने में, बांटो ना देश तुम है मथुरा या मदीने में, हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, बुराई पर आ जाए तो हर इंसान बुरा है। हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अब सुनिए, एक हिंदू तो दूजा मुसलमान है, एक हिंदू तो दूजा मुसलमान है, रक्षा माँ की करे भारत माँ की, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, रक्षा माँ की करे इसमें ही शान है, रक्षा माँ की करे उसमें ही शान है, और ऐसी ज्वाला भरो अपने सीने में, ऐसी ज्वाला भरो अपने सीने में, लेकिन बांटो ना देश तुम है मथुरा हो या मदीने में, बांटो हरा रंग तो मुस्लिम को प्यारा लगे, हरा रंग तो मुस्लिम को प्यारा लगे, पामागारे सा नीने सागर ये हरा, हमारे तिरंगे में तीन रंग, ये हरा रंग तो मुस्लिम को प्यारा लगे, केसरिया तो मंदिर पे न्यारा लगे, केसरिया तो मंदिर पे प्यारा लगे, केसरिया तो मंदिर पे प्यारा लगे, लेकिन सफेद क्या कहता है,
श्वेत है शांति का रस पीने में, केसरिया ऊपर बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा हरा, बीच में सफेद इसलिए रखा गया कि दोनों में कभी लड़ाई ना हो, हमेशा शांति का भाव बना रहे। श्वेत है शांति का रस पीने में, तो इसलिए कहना चाहूंगा अरे बांटो ना देश तुम है मथुरा हो या मदीने में, बांटो चाहे जो बेचना अपने देश को, जो व्यक्ति अपने देश को बेचना चाहेगा उसके लिए बहुत तंगड़ा इंतजाम होना चाहिए। चाहे जो बेचना, जिस पर हम खेले, जिस मातृभूमि पर हम पले बड़े हुए, उसको जो लोग बेचना चाहते हैं, उन दरिंदों से कहना है चाहे जो बेचना अपने देश को, ना सहेंगे कभी ऐसी हम ठेस को, ना सहेंगे कभी ऐसी ना ठेस को, ना सहेंगे कभी ऐसी हम ठेस को, गोली मारेंगे जो हिंदुस्तान को बेचना चाहेगा, चाहे सर कट जाए लेकिन हिंदुस्तान झुकना नहीं चाहिए, गोली मारेंगे ऐसे कमीने में, गोली मारेंगे ऐसे कमीने में, और यही कहेंगे बांटो ना देश तुम है मथुरा हो या मदीने में, बांटो अंतिम शब्द है, सभी लोग सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरा गीत का मतलब क्या है, आखिर इस गीत का आशय क्या है। निर्णायक महोदय जी, भेदभाव को हम सब मिटा जाएंगे, भेदभाव को हम सब मिटा जाएंगे, दुश्मनी को भी जड़ से मिटा जाएंगे, दुश्मनी को भी जड़ से मिटा जाएंगे, और सबके प्रति प्रीत चंदन हो सीने में, सबके प्रति प्रीत चंदन हो सीने में, और मरते दम तक यही कहूंगा क्या कि बांटो ना देश तुम है मथुरा हो या मदीने में, और सुनिए दो पंक्तियां और सुना रहा हूं जो हमारे आदरणीय स्वर्गीय दादा श्री हरिकिशन दादा जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं। बहुत लोग गाते हैं, मन है कि मैं भी दो पंक्तियां गा दूं, सुनिए। कहना है अरे एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अरे एक कुटुंब अवतारा, अरे परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, जोड़ रहा हूं सुनिए।
यासे यासुमीन है तो यासे यसुदा माई, और कासे कलियर वाला तो कासे किसन कनाई, कासे किसन वाला तो कासे किसन कनाई। आसे है ये अजान आरती, क्या बात है दादाजी, आसे है ये अजान आरती और जीवन मनवारा, फिर कहां से आया बीच में, कहां से आया बीच में। ये बात ससुराल जी ने कही थी मैनपुरी में, जब हम बहुत छोटे थे तो कहा था कि जहां हम होते हैं वहां पर हमारा तुम्हारा नहीं होता, जहां हम लग जाता है वहां हमारा तुम्हारा नहीं होता। तो बहुत अच्छी बात लगी थी इसलिए मैं ये कह रहा हूं, कहां से आया बीच में हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, कहां से आया बीच में ये पाकिस्तान तुम्हारा, ये पाकिस्तान तुम्हारा। अरे मैं नहीं कहता इस प्रेमगढ़ की, सारी जनता कहती है देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। अरे मैंने शेष अनेकों देखे हैं पर लखन के जैसा शेष नहीं, और मैंने भेष अनेकों देखे हैं पर शंभू जैसा भेष नहीं, पर शंभू जैसा भेष नहीं, पर शंभू जैसा भेष नहीं। मैंने केस अनेकों देखे हैं पर द्रौपदी जैसे केस नहीं, और बात अच्छी लगे तो दोनों हाथ जाके कहना, मैंने देश अनेकों देखे हैं पर भारत जैसा देश नहीं, अरे मैंने देश अनेकों देखे हैं पर भारत जैसा देश। ओ अगर छोटे भैया से कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं।